गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है गुजराती, लेसन नंबर 4, हरि अने अर्जन, पेज नंबर 20। घणा समयथी सरकारे प्राणीओना शिकार पर प्रतिबंध मूक्यो छे। बहुत समय से सरकार ने प्राणियों के शिकार पर प्रतिबंध रखा है, पण पहलाना समय में राजा महाराजा शिकार करवा जता हता। लेकिन पहले के समय में राजा महाराजा शिकार करने जाते थे। घणा समय पहला नी बात छे, एक कांगसा गाम हतु। बहुत समय पहले की ये बात है, कांगसा नाम का एक गाँव था। ते अमरेली जिल्ला मा आवेलू एक नानकड़ू गाम छे, ए तालुको धारी छे। कांगसा गाँव का जिला है अमरेली और उसका तालुका है धारी। कांगसानी पश्चिम में गिरना डूंगरा आने जंगल छे। कांगसा गांव की पश्चिम की ओर गिर की पहाड़ी और जंगल है। 6 दायका पहला ये जंगल में बहु बड़ा जंगली जानवर हता, एमा सिंह पण खरा। 6 दशक पहले की ये बात है, उस समय जंगल में बहुत से जंगली जानवर थे और उसमें शेर भी थे। कांगसा गामनी नजीक एक तालाब छे। कांगसा गांव के नजदीक एक तालाब है। सांजना समय क्यारेक पेला जंगलना प्राणीओ आ तालाब सुधी पानी पीवा आवता। शाम के समय कभी कभी वहां जंगल के प्राणी पानी पीने भी आया करते थे। एने कारणे शिकारना शौकीन लोको शिकार माटे अहीं आवता। उसी कारण शिकार जिन लोगों को शिकार का शौक होता था वो शिकार करने यहाँ आते थे। एक वक्त नवंबर महीना में वडोदरा राज्य ना महाराजा सयाजीराव अहीं शिकार माटे आव्या हता। एक समय की बात है, नवंबर महीना था, तब बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव यहाँ शिकार के लिए आए थे। तालावनी नजीक एक ऊंचो माचड़ो बांधवामां आव्यो हतो। तालाब के नजदीक एक ऊंचा मंच बांधा गया था। महाराजा एमना मददनीसों साथे माचड़ा पर हता और महाराजा अपने मददनीसों के साथ उस मंच पर थे। माचड़ा थी थोड़ा अंतरे ए विस्तारना केटलाक रहीसों पण रहता हता। जो मंच बांधा गया था उससे कुछ ही दूरी पर वहाँ लोग रहते भी थे। एमा सुखपर गामना बे छोकरा हता। उसमें वहाँ जो लोग रहते थे उसमें सुखपर गांव के 2 लड़के भी थे। एक नु नाम हरि अने बीजा नु नाम अर्जन। एक का नाम हरि था और दूसरे का नाम अर्जन। ते हिम्मत वाला पण हता और वो दोनों लड़के बहुत बहादुर थे। आ बे छोकराओ माचड़ा नजीकना झाड़ पाछळ संताई ने उभा हता। तेमनी पासे दातरडा सिवाय बीजू कोई हथियार न हतुं। मंच के नजदीक एक पेड़ के पीछे छिपकर ये दोनों लड़के खड़े थे और उनके पास कोई बड़ा हथियार भी नहीं था। नवंबर महीनो एटले सियाळो। नवंबर महीना यानी कि ठंडी की ऋतु। दिवस टूंको अने सूर्य आथमे एटले अंधारा ने घेराता वार न लागे। दिन बहुत ही कम रहता है और सूरज के ढलने के बाद अंधेरे को आते भी देर नहीं लगती। अत्यारे सूर्य आथमवानी तैयारी में हतो और अभी भी सूर्य अस्त होने की तैयारी में ही था। अजवाड़ू झाँखू थवा लाग्यू हतु और उजाला कम होने लगा था। इस समय धीरे धीरे मलब तो एक सिंह तड़ावनी नजदीक आवतो देखायो और उसी समय एक शेर धीरे धीरे से तालाब की नजदीक आता हुआ दिखाई दिया। तालाब ने कांठे आवीने ए उभो रह्यो। तालाब के किनारे आकर वो खड़ा रहा। ए वखते महाराजा ने हाथमानी बंदूक नो गोड़ो दबावी भड़ाको थयो अने साथे बंदूक माथी गोली छूटी। उसी समय महाराजा ने अपने हाथ में रही बंदूक को चलाया और आवाज हुई और बंदूक से गोली छूटी। कम नसीबे गोली नु निशान चुकाई गयू, लेकिन बदनसीबी से उस गोली का निशान चूक गया। बंदूक ना आवाज पछी सिंह साबदो थई गयो हतो और उस बंदूक की आवाज से शेर एकदम चौकन्ना हो गया।
एने नजर फेरवी, माचड़ा पर माणसों ने जोई ने एनी आँख फाटी गई और शेर ने अपने आसपास नजर घुमाई और देखा मंच पे कुछ लोगों को देखा। गर्जनाओ करतो अने छलांगो भरतो ए माचड़ा सुधी धसी आव्यो। गर्जना करता और बड़ी बड़ी छलांगे लगाता हुआ वो मंच की ओर आने लगा। माचड़ा ने भय भेगो करवा मांगतो होय एम एने जोड़वा मांड्यो और वो उस मंच को जैसे जमीन पे गिरा देना चाहता हो उसी तरह से हिलाने लगा। जाने कोई झाड़ ने झंझेड़ तो होय एम, जैसे किसी पेड़ को झंझेड़ रहा हो ऐसे वो उस मंच को हिलाने लगा। सिंहना एकाएक आवा आक्रमण थी महाराजा मुंजाई गया। शेर के अचानक ऐसे आक्रमण से महाराजा व्याकुल हो गए। बंदूक माथी बीजी गोली छोड़वानू सूझ्यूज नहीं और उनको बंदूक से दूसरी गोली छोड़ना उनसे छोड़ी ही नहीं गई। आ कटोकटी नी पड़े हरी अने अर्जने एक हिम्मत भरी काम करू और इस कसौटी की समय में हरी और अर्जन ने एक हिम्मत भरा काम किया। ए बन्ने छोकराओ झाड़ पाछळथी खुल्लामां आव्या अने हाकोटा करता होय एम एमणे एक साथे अवाज कर्यो। अब वो दोनों लड़के जिस पेड़ के पीछे छुपे थे वहां से बाहर आ गए और एक साथ दोनों आवाजें करने लगे। सिंहनू ध्यान तेमना तरफ खेंचायू। एने माचड़ा परथी पंजा उठावीने जमीन पर मुक्या। अब शेर का ध्यान उनकी तरफ खींचने लगा और उसने उस मंच पे से पंजे उठाकर जमीन पर रख दिए। पछी डाला जेवू माथू उछाड़ीने एक भयंकर गर्जना करी और फिर उसने अपना सिर हिलाकर एक भयंकर गर्जना करी। हवे आ छोकराओ एना गुस्सानू निशान बन्या। अब ये दोनों लड़के उसके गुस्से का निशान बन गए। मौत सामे आवीने उभू हतू छता ए घबराया नहीं। अब मौत उनके सामने खड़ी थी फिर भी वो दोनों नहीं घबराए, आवाज करता रहा और वो आवाज करते रहे। सिंह एम ने सिंह एमनी तरफ छलांगो भरवानी तैयारी करतो हतो और शेर उनकी तरफ छलांगे भरता हुआ आ रहा था। त्या महाराजाए बंदूक माथी बीजी गोली छोड़ी अने सिंह ने मौत ने घाट उतारी दीधो और तभी महाराज ने बंदूक से दूसरी गोली छोड़ी और शेर को वहीं मार दिया। आ बधु एटली झड़पथी बनी गयू के शू थयू अने केवी रीते थयू ए समझायू ज नहीं। और ये सब इतनी जल्दी हो गया कि किसी को कैसे हुआ क्या हुआ कुछ समझ में ही नहीं आया। सिंह मर्यो अने तरत ज भय पर ढड़ी पड़ो। शेर मर गया और जमीन पर गिर गया। महाराजा माचड़ा पर थी नीचे उतरिया। अब महाराजा मंच से नीचे उतरे। हरि अने अर्जन ना आ हिम्मत भरा साहस थी ए प्रभावित थया हता। हरि और अर्जन के इस हिम्मत भरे बहादुरी पूर्ण काम से वो प्रभावित हुए थे। छोकराओं जीवनु जोखम खेड़ी ने पोतानो जीव बचावे होतो। इन दोनों लड़कों ने अपनी जान जोखिम में डालकर महाराजा की जान बचाई थी। एमने सब पहला हरि अने अर्जन ने धन्यवाद आप्या। महाराजा ने सबसे पहले हरि और अर्जन का धन्यवाद अदा किया। सयाजीराव वडोदरा राज्यना महाराजा खरा पण एथी ए ऊंचा गजाना ए माणस। सयाजीराव बड़ौदा राज के महाराजा तो थे ही लेकिन उससे भी अच्छे इंसान थे। आवा उपकारनु मूल्य चुकवा एमने वडोदरा जईने आ बे भाईओना पुतळा बनावीने कमाटी बागमां मूक्या। इस उपकार का मूल्य चुकाने के लिए महाराजा ने क्या किया, बड़ौदा जाकर इन दोनों भाइयों का स्टैच्यू बनाकर कमाटी बाग में रखा। कमाटी बाग अत्यारे सयाजी बाग तरीके ओळखाय छे और कमाटी बाग अभी सयाजी बाग के नाम से भी जाना जाता है। सयाजी बाग ना मुख्य दरवाजा में प्रवेश कर्या पछी डाबी बाजू ना विस्तार में हरि अने अर्जन ना आखा कदना पुतळा छे। सयाजी बाग के मेन गेट से अंदर जाने के बाद बाई तरफ हरि और अर्जन के स्टेच्यू रखे हुए है। तमे वडोदरा जाओ त्यारे सयाजी बाग में जईने आ बहादुर छोकराओनी प्रतिमाओ जोजो। आप जब भी बड़ौदा जाए
तब सयाजी बाग में जाकर इन दोनों लड़कों की प्रतिमा आप देख सकते हो। ये थी हमारी स्टोरी, आज का हमारा लेसन, और अगले वीडियो में मैं आपको इसकी वर्कशीट भेजूंगी, वो आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है।